जो अपना सेशन लिया था वो हिंदी इंग्लिश का मिक्स था, और उसका कहते हैं बहुत उम्दा रिस्पांस रहा। और हमने फिर रिक्वेस्ट करी सर को कि भाई एक मिक्सचर दें सो दैट पैन इंडिया ऑडियंस सारी दुनिया समझ सके कि ये प्लीडिंग्स है क्या चीज़, इसका ओवरव्यू क्या है और कैसे कैसे हम समझ सकते हैं। क्योंकि वन ऑफ द फाउंडेशंस जो होती हैं प्लीडिंग्स फॉर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स आर एन इंटेग्रल पार्ट। एंड डिस्पाइट हिज हेक्टिक शेड्यूल सर हैज ऑलवेज बीन काइंड इनफ टू शेयर हिज नॉलेज एंड फॉर द commitment which we had done on the last time, but due to unforeseen circumstances, what we in law say force majeure, we had to cancel that webinar. And today we are with that series, and hum aasha karte hain ki ye series bahut hit jayegi, kyunki ye law students, lawyers and all professionals ke liye bahut ek acha part hai beyond law CLC ki taraf se koshish ki jo aajkal hum kehte hain legal empowerment ho, logo ko knowledge de sake तलुका लेवल से, गांव से, नॉट सो दैट एफ्लुएंट कॉलेजेस समझ सकें, और वो भी जो एक अच्छे स्पीकर्स हों जस्टिस नंदराज जोग टाइप। सो आई विल मेक रिक्वेस्ट सर से कि टू टेक ओवर द बैटन एंड शेयर हिज नॉलेज। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम सिविल लॉ के तहत एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ में कोई प्लीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। प्लीडिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपका सिविल लॉ में होता है। लॉ को साइड पे रखिए, आप किसी भी इंसान से कभी भी कोई वार्तालाप करते हैं, चाहे वो किसी बिजनेस धंधे से रिलेटेड हो, चाहे आप टीचर हो, आपने अपनी क्लास को कुछ बताना है, चाहे आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आपको कोई इंसान मिलता है, आपने किसी मुद्दे पे बात करनी है, पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, कल्चरल इशू, कोई फिल्म आई है, कोई फिल्म के तहत आपको बात करनी है, तो आप अपने थॉट को जाहिर करते हैं। कैसे? अल्फाज के माध्यम से, फ्रॉम योर वर्ड्स, फ्रॉम योर सेंटेंसेस। तो आप ऐसे ही वार्तालाप नहीं करते, आप उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। जो आपका वार्तालाप होता है उसका आप एक ढांचा अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर आपको यह समझ आती है कि अगर मैं इस ढांचे के तहत अगर नहीं बोलूंगा तो जो दूसरा इंसान है जिसको मैं रीच आउट कर रहा हूं वो मेरे तथ्य को ठीक से समझ नहीं पाएगा। तो ये जो जनरल प्रिंसिपल है, ये ही एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्लीडिंग की बुनियाद है। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी वार्तालाप में सबसे पहला स्ट्रक्चर थॉट आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू से, मुझे क्या बोलना है। फिर जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप अपने आप से एक सवाल पूछते हो, मैं क्या कह रहा हूं, क्या मैं जो कह रहा हूं वो उस चीज से मेल खा रहा है जो मुझे कहना था। इन दो के बीच में एक सवाल आप और डालते हैं, व्हाई आई एम सेइंग, मैं क्यों बोल रहा हूं। तो इन तीन चीजों को अगर हम इनका मेल कर दें, इनका संगम बना दें, तो जैसे हम संगम में एक बात करते हैं गंगा, जमुना और सरस्वती, तो जब गंगा, जमुना और सरस्वती का मेल होता है, कहाँ माना जाता है कि ये मेल आपका इलाहाबाद में होता है, तो वहां का जो पानी है, वो जो स्थान है, वो
पूजनीय बन जाता है, जहां लोग श्रद्धालुगण आते हैं और अपने मानसिक अपनी शारीरिक दुविधाओं का वो वारण करते हैं। तो उसी तरीके से व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू से, मुझे क्या बोलना है, व्हाई आई एम सेइंग, ये उसी का लिब है, मैं क्यों बोल रहा हूं, फिर मैं क्या बोल रहा हूं। आंसरिंग इन तीनों सवालों का जब जवाब हम देते हैं तो हमारे को क्या मिलता है कि इन तीनों का जब हम संगम बनाते हैं तो हमें एक एसेंस ऑफ द प्लीडिंग, यानी कि प्लीडिंग का वो कोहिनूर का हीरा हमारे सामने उभर कर आता है। हर चीज को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते तो हमको वो चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक चीज इवॉल्व करती है तो वो एवोल्यूशन ही हमें बताती है कि किस प्रकार से एक चीज जो समाज को फायदेमंद नजर आई वो क्यों उभर के आई। तो इसका सारा जो प्लीडिंग्स का जो हमारे जिसको कहते हैं वाद प्रतिवाद, ये कहां से आता है? रोमन लॉ से। अभी भी आप देखते हैं हम कानून में बहुत सारे लैटिन फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, और लैटिन कहां की भाषा थी? इटली की, रोम की। नॉन एस प्राइमा फेशाए सिने क्वा नॉन, है ना, ये जितने हमारे फ्रेजेस हैं, उट्रेस वेजेट मैजमेंट कॉन पेरियड, ये सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट कहां से आते हैं? ये क्लासिकल रोमन लॉ से आते हैं। ये इसलिए आते थे कि अगर किसी को कोई शिकायत होती थी तो वो शिकायत करता एक उस इंसान पे जाता था जो उसकी शिकायत को सुनकर उसका समाधान ढूंढ सकता था। तो वो क्या होती थी कि एक इंसान, जिस इंसान के पास ये पुख्ता अधिकार होते थे कि उसकी शिकायत सुनकर और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको बुलाकर उसको सुनकर एक निर्णय दे सके, तो उसकी शुरुआत होती थी कि जो शिकायत करता होता था वो कुछ बताता था उस इंसान को, जिसको समझकर उस इंसान को एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी जिसको फॉर्मूला बोलते थे। वो फॉर्मूला क्या होता था? वो एक रिटन स्टेटमेंट होती थी, बहुत छोटी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो ये उभारता था कि वादीगण और प्रतिवादीगण के बीच में तथ्य का इशू क्या है, जो आज हम अपने प्रीडिंग्स में सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की स्टेज पर करते हैं। उसका प्रोसीजर ये था कि जिसको जो याचिकर्ता होता था, जो कंप्लेनेंट होता था, वो उस इंसान जो रोमन लॉ में जिसको प्रोटर बोलते थे, प्रोटर एक हाई रैंकिंग मैजिस्ट्रेट होता था, वो उसके पास जाके कोई लिखित रूप में से नहीं बट ओरली शब्दावली के थ्रू उसको बताता था कि मेरा ये एक मुद्दा है। वो उस मुद्दे को लिखता था, फिर देखता था कि क्या ये मुद्दा ऐसा है जिसके लिए उसको न्याय की जरूरत है, या ये मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर उसको न्याय नहीं मिल सकता। और आज हम क्या देखते हैं हमारे सीपीसी में,
A court will have jurisdiction to try all disputes of a civil nature. अगर एक डिस्प्यूट एक सिविल नेचर का नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. आप जाके आज कचहरी में एक दावा नहीं डाल सकते जिसमें कहें कि साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे मोहल्ले में ये एक सेठ साहब रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी जो बासी रोटी बचती है वो कुत्ते को खिला देते हैं, उनको निर्देश दीजिए कि वो अपनी बची कुची रोटी मुझे दे. चाहे कितनी भी जस्टिफाइड ये डिमांड हो, कोई जज किसी इंसान को कोई ऑर्डर कोई डायरेक्शन कोई डिक्री नहीं पास कर सकता कि आप चैरिटी कीजिएगा. आप नहीं कर सकते. तो वो पहले जो मैजिस्ट्रेट होता था वो सुन के ये देखता था कि क्या ये एक सिविल नेचर ऑफ डिस्प्यूट अराइज हो रहा है. अगर सिविल नेचर ऑफ डिस्प्यूट अराइज होता था तो वो दूसरी साइड को बुलाता था कि हाँ भाई देखो इस इंसान का आपके खिलाफ ये कहना है, अब आप बताइए. जो प्रतिवादी होता था वो जवाब में बताता था कि देखिए साहब ये इतनी बात तो सही कह रहा है, इतनी बात ये गलत कह रहा है. फिर वो जो याचिकर्ता होता था उसको सुनता था, फिर उसको सुनता था, फिर उसके बाद वो उसका सार निकालता था. और सार निकाल के वो क्या देखता था कि क्या जो वादी है उसकी जो कथनी है वो क्या कानून में सही है, और किसी कानून के ऊपर उसकी फाउंडेशन है. और फिर वो देखता था कि इसके पास कुछ ऐसा एविडेंस भी है जिससे ये इसको साबित कर सके. बहुत साल हमने ये सेकेंड पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स में कि आपके पास अगर कोई एविडेंस ही नहीं है उस चीज को साबित करने का तो जज कहेगा मैं क्या कर सकता हूं. अब जब कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट आया तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ऑफ केस मैनेजमेंट हियरिंग आया जिसपे जज देखता है कि ये जो कह रहा है इसकी क्या बुनियाद है. बुनियाद का मतलब कुछ एविडेंस भी है उसको सपोर्ट करने के लिए. अगर कोई एविडेंस ही नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए तो बात खत्म. अब मैं आके कहता हूं जज साहब से कि साहब ये गाड़ी है ये मेरी है, तो जज कहेगा भाई ये आपकी है पर कुछ सबूत है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. वो कह जनाब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो नहीं है, कुछ मेरे को राइट अप आ रहे हैं कि सर कैन वी प्लीज स्विच टू इंग्लिश, तो डू यू वांट मी टू कंटिन्यू इन इंग्लिश और हिंदी बिकॉज सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द चैट बॉक्स सेइंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश. Everyone says speak in English, so I will switch over to English. So I'll go. I think, sir, if you deem it fit, we can do the part two in English. Otherwise, the entire emphasis will change if people watch it on the YouTube subsequently. No, because I am getting chat boxes. Everyone is saying this is the eighth point I'm going. Now one is saying, sir, continue. So I'll explain in Hindi and English again and again. So I have explained it in Hindi. Just in a nutshell, I will explain it in English. That the origin of this was under the classic Roman law, where the person who had a grievance used to go to a person who was called a praetor, who was a high-ranking magistrate, who used to orally hear the person, call the other side and orally hear the other person, and see whether the issue which is being raised by the person gives rise to a civil cause of action. If it did not give rise to a civil cause of action, he would say, I'm very sorry about it, I cannot do anything. But if it gave rise to a civil cause of action, then the praetor used to reduce their rival versions into a small little summary, which was called a formula. I will now speak in Hindi English, first in Hindi and then in English, so that you will understand. So, wo jo formula hota tha, usko Romans used to call it litis contestio,
यानी कि जॉइंडर ऑफ इश्यूज. सो दैट फॉर्मूला विच द जज यूज टू रिड्यूस, द फॉर्मूला वॉज वॉट, एक एसेंस ऑफ द फैक्चुअल डिस्प्यूट वॉज नोन एज द लिटिस कंटेस्टियो, वॉट इन टूडेज कॉन्सेप्ट इज द जॉइंडर ऑफ इश्यूज. जब ये लिटिस कॉन्टेस्टियो यानी कि ये जॉइंडर ऑफ इश्यूज सेटल हो जाता था, तो पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड नहीं कर सकते थे और उस मुद्दे पे फैसला उसके बाद पार्टीज को प्रोहिबिट करता था कि उसी चीज पे आप दोबारा से लिटिगेट करें. सो वंस द जज यूज टू सेटल द जॉइंडर ऑफ इश्यूज, इट प्रोहिबिटेड द पार्टीज फ्रॉम ऑल्टरिंग देयर प्लीडिंग्स, barred any future action on the same issues between the parties. What is reflected today is res judicata. So that decision would be operating as res judicata. ये जो formula जो judge settle करता था, जिसको आजकल हम pleadings में issues कहते हैं, ये जो formula था, ये judge को भी guide करता था कि आपको किस मुद्दे पे फैसला करना है. सो दिस फॉर्मूला विच वॉज सेटल्ड बाय द जज नॉट ओनली कंट्रोल्ड द कंडक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट एट द ट्रायल, बट ऑल्सो हेल्प द जज इनटू फोकसिंग ऑन व्हाट ही हैज टू डिसाइड. इसीलिए आजकल भी हर कोर्ट में प्लीडिंग्स के बाद इश्यूज सेटल्ड होते हैं. दैट इज व्हाई इवन टुडे in view of the pleadings, the judge settles the issues. Then these issues are the ones which would determine what evidence would be led and guides the judge into what the judge has to do. अगर कोई issue formula में नहीं आता था, तो उसके ऊपर कोई evidence नहीं आ सकता था. So, if an issue was not settled, no evidence could be led, which we follow even today. और वो जो प्रोटर था, he was the judge of fact and law. आज भी हम देखते हैं जो जज होता है वो जज ऑफ फैक्ट एंड लॉ होता है. वो फैक्ट फाइंडिंग भी रिटर्न करता है और वो पार्टीज के बीच में जो लीगल इश्यूज होते हैं उनको भी सेटल करता था. ये जो मैंने आपको रोमन लॉ के बारे में बताया, what I have told you about the Roman law, becomes important. ये इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि अब हम सब कहते हैं हम तो कॉमन लॉ फॉलो करते हैं जो ब्रिटेन में आई, तो ये रोमन लॉ की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? Why am I talking of the Roman law when we all know that we follow the common law system of adjudication which we inherited from the Britishers? इसकी रेलेवेंस ये है कि उस समय में जब ये रोमन लॉ में ये प्रिंसिपल्स इवॉल्व हो रहे थे, लॉ वॉज वेरी रूडिमेंट्री. एट द स्टेज व्हेन दीज प्रिंसिपल्स ऑफ रोमन लॉ वर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन रोम, विच वाज सोफिस्टिकेटेड इन इट्स नेचर, रैशनल एंड लॉजिकल, इंग्लिश लॉ वॉज लेस सोफिस्टिकेटेड. क्या था वहां, क्या होता था? ऑडियल्स ऑफ फायर एंड वॉटर. ये जनाब इस कुएं में, इस तालाब में नीचे तक गोता लगा के ऊपर आ जाए तो ये जीत गया. ये जलता हुआ कोयला अपने मुंह में रख ले तो ये जीत गया. ये जलता हुआ कोयला अपने हाथ में रख ले, ये जीत गया. क्यों? क्योंकि ये अपने इष्ट देव की शपथ लेके कह रहा है मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, ईश्वर मुझे शक्ति देना. तो अगर इसको ईश्वर की शक्ति मिलेगी तभी तो ये सच्चा है, और अगर इसको ईश्वर की शक्ति नहीं मिलेगी तो ये झूठा है. सो द ऑडियल्स ऑफ फायर वर बेस्ड ऑन व्हाट? ऑन द प्रिंसिपल दैट यू स्वेयर इन द नेम ऑफ योर गॉड दैट व्हाट आई वुड से वुड बी द ट्रुथ. सो हेल्प मी गॉड, आज भी वी गिव द ओथ टू द पीपल, I shall speak the truth, nothing with the truth, but help me God. So belief ye thi. The belief was that this person who swears by the name of God, seeks the help of God, the God will come and help him.
So if he puts a burning charcoal in his mouth, God would ensure that his mouth doesn't get burned. He would hold it in his hand. God would ensure that his hand would not get burned. If he was supposed to dive in a deep well, God will ensure that he doesn't drown. देखो कितना interesting है, how interesting it is. आज भी हम वो थोड़ी देते हैं. I shall speak the truth, nothing but the truth, but help me God. यहाँ क्या होते थे? Wagers of law and judicial combat was settled. बस किस बात पे? इसी बात पे. भगवान के नाम पे कसम खाओ और एक ऑडियल को फेस कर लो. अगर आप कर गए तो आप जीत गए, आप नहीं करे तो आप हार गए. तो supernatural proof और oaths which were treated as absolute and inscrutable, इसके ऊपर कोई जज का काम नहीं होता था. क्यों? क्योंकि आपने अपने इष्ट देव की शपथ लेके उस टेस्ट पे आप अपने आप को सब्जेक्ट कर देते. No legal questions were asked, no reasons given, no facts found, no rules declared, nothing of that kind. कुछ नहीं होता था, बस भगवान का नाम लिया, कोयला मुंह में डाला, 5 मिनट रख लिया तो जीत गए, नहीं रखा तो हार गए. पर हुआ क्या, 12वीं सदी तक वहां पे भी समझ आना शुरू हुआ कि ये तो मनगढ़ंत बातें हैं. People realized by the 12th century in England that this is not the right way to solve the problems. But हैरानी की बात ये है, it is a matter of surprise कि आज भी कानून और इंडिया में भी कानून, even the law in India today recognizes these supernatural force to adjudicate the disputes. कहां पे मिलता है हमें? Special Oaths Act. पता नहीं आप लोगों को कितनों को मालूम है, अभी भी इंडिया में the Special Oath Act लागू है, जिसमें in which अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को चैलेंज करती है कि अगर ये अपने कुल देवता, इष्ट देवता या ग्राम देवता के सामने जाकर कसम खाकर अपनी कथनी दोहरा देगा तो मैं अपनी कथनी वापस लूंगा और आप इसको फैसला इसके हक में होगा. और वो इंसान जो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता था, इफ द अदर पर्सन एक्सेप्ट्स दैट चैलेंज और वो अपने कुल देव, इष्ट देव या ग्राम देवता के सामने शपथ लेके और अपना तथ्य दोहरा दे, तो फिर वो दूसरी साइड जो उसको चैलेंज करती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है. इसकी बिलीफ ये है कि इंसान अपने कुल देवता के सामने, अपने इष्ट देवता के सामने, अपने ग्राम देवता के सामने, द बिलीफ इज दैट अ पर्सन विल नॉट लाई बिफोर his personal God, the God of his village or the God of his community. पर अब हम आजकल इसका इस्तेमाल नहीं करते, पर कभी कदास अभी भी आप कोर्ट में ये कर सकते हैं. तो ये जो pleadings थी, इसका modern context में relevant ये आया, the relevance of these pleadings is, it discloses whether the issue is one of fact or the issue is one of law. ये बताता है कि ये इशू कोई फैक्ट का है या लॉ का है. अगर तो फैक्ट का है तो एविडेंस होगा, और अगर इशू लॉ का है तो उस पर कोई एविडेंस नहीं होगा. सो इफ द इशू इज वन ऑफ फैक्ट, एविडेंस वुड बी लेट. इफ द इशू इज वन ऑफ लॉ, नो एविडेंस वुड बी लेट. फिर 13वीं सदी में आया कि साहब ये जो आपकी कथनी है, by the 13th century it evolved that these pleadings जो पहले जुबानी होती थी, which were oral, would now be in writing, अभी लिखित में होंगी. तो लिखित में क्या होती थी, जो plaintiff होता था वो writing में, the plaintiff used to give in writing, which was called the declaration. Today we call it the plaint. It was called the declaration or the narrative or account, you could call it anything, declaration, narration or account, which is the plaint. अब जो defendant होता था, अब इसको गौर से सुनिएगा, जो defendant होता था, जो मुद्दई होता था,
उसके पास चार ऑप्शंस होती थी कि प्लेंटिव की प्लीडिंग का वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा. फोर, वन वॉज ही कुड डिनाई एवरीथिंग. व्हाट वी कॉल इन लॉ टुडे इज अ जनरल रिवर्स. वो हर एक चीज जो प्लेंटिव ने कही वो बोले ये भी झूठ, ये भी झूठ, ये भी झूठ, सब झूठ. तो सब साइड का वो इश्यू बनाता था. यहां प्लीडिंग खत्म हो जाती है, इस पे कोई रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं है. पर आज हम कोर्ट्स में क्या देखते हैं, डिफेंडेंट ने प्लेंटिव के सारी प्लेंट को डिनाई किया हुआ, पर रेप्लिकेशन आती है. कंटेंट्स ऑफ पैरा वन ऑफ द रिटन स्टेटमेंट आर रॉन्ग एंड डिनाइड. पैरा वन ऑफ द प्लेंट इज रीइटरेटेड. इट इज रॉन्ग एंड डिनाइड दैट आई एम रॉन्गली स्टेटिंग. आई एम नॉट. कोई जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि पर्पस ऑफ द प्लीडिंग्स ऑन द ओरिजिन ऑफ द लॉ प्लीडिंग्स इज टू सेटल द इशू. एंड व्हाट इज एन इशू? Assertion by a, denied by the other gives birth to an issue. Second type पे वो कर सकता था कि वो कुछ facts को admit कर सकता था और कुछ को deny कर सकता था. इस पे भी कोई replication नहीं आएगी. और trial किसका होगा? उन्हीं तथ्यों का जो deny की. तो trial would be only of such facts which were denied. The third is he could make a plea of demurrer. What is a plea of demurrer? Plea of demurrer is defendant कहता है साहब ये जो plaintiff कह रहा है ये सारे के सारे तथ्य मान लो इसके, इसको फिर भी law में relief नहीं मिल सकता. तो plea of जो demurrer आती थी उस पर trial की जरूरत ही नहीं, क्योंकि the defendant has not made an issue of any fact asserted by the plaintiff. He is not denied any fact. उसने जो plaintiff ने अपनी plaint में 10 fact कहे डिफेंडेंट कहता मान लो, तो किस बात का ट्रायल? ट्रायल किसका होता है? एविडेंस एक्ट क्या बताता है? एविडेंस वुड बी लेड ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड सच अदर फैक्ट्स व्हिच आर मेड हियर एंड आफ्टर रेलेवेंट. तो अगर कोई फैक्ट इन इशू ही नहीं है तो हियर एंड आफ्टर कोई रेलेवेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो अगर रिटन स्टेटमेंट डेमरर की होती है कोई रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं, इस पर कोई ट्रायल की जरूरत नहीं. जज साहब को बोलिए जज साहब एक इशू सेटल करिए, वेदर द प्लेंट डिस्क्लोजेस अ कॉज ऑफ एक्शन इन व्यू ऑफ द रिटन स्टेटमेंट वेयर नो फैक्ट हैज बीन ट्रैवर्स्ड. फैसला सुनाइए. बट चौथे प्रकार की जो रिटन स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट लाता था वो बड़े गौर से समझने की बात है. द डिफेंडेंट इन द फोर्थ ऑप्शन कुड अडॉप्ट make a plea of confession with avoidance. Confession and avoidance plea means he confesses to the facts but introduces certain facts which avoids the liability on the admission of the facts pleaded in the plaint, which is called a plea of confession with avoidance, in which he would introduce new facts. It is only this kind of a written statement which needs a replication because the defendant has introduced new facts. Now the plaintiff gets a right to respond to this written statement in the same four manners as the defendant had. He can make a general traverse. वो कह सकता है कि ये जो नए fact defendant कह रहा है ये सब deny करता हूँ, वहीं issue settle होगा. वो कहता है कुछ मानता हूं कुछ नहीं मानता, जो मानता हूं उस पर इशू नहीं सेटल होगा, जो नहीं मानता हूं उस पर इशू सेटल होगा. या वो कहेगा डेमरर कि साहब ठीक है आई डेमर, मान लो ये जो डिफेंडेंट कह रहा है, ये जो फैक्ट्स ऑफ अवॉइडेंस कह रहा है, जज साहब इसको मान लो, फिर भी इसका कुछ नहीं बनेगा डिफेंस, इस पर कोई ट्रायल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लेंटिव ने जो कहा वो डिफेंडेंट ने माना और डिफेंडेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया वो प्लेंटिव ने मान लिया. बट झगड़ा किस बात का है कि इन एडमिटेड फैक्ट्स पे क्या रिलीफ बनता है कि नहीं बनता. पर प्लेंटिव अब चौथी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता था, वो न्यू फैक्ट्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं उनको एडमिट करके कुछ और अपने नए फैक्ट्स डाल सकता है, ओनली लिमिटेड टू द न्यू फैक्ट्स. अब अगर उसने किया तो अभी भी
फर्दर प्लीडिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं सर रिजॉइंडर। अब डिफेंडेंट ने, जो प्लेंटिफ ने नए फैक्ट्स अपने रेप्लिकेशन में इंट्रोड्यूस किए, वो उनसे डील करेगा। और हैरानी की बात है, उसको भी वही चार राइट मिलेंगे फिर। और सपोज वो चौथा राइट अपना एक्सरसाइज करता है कि वो उन फैक्ट को मान के कुछ और फैक्ट डाल देता है, अब वो नए फैक्ट को प्लेंटिफ को जाना पड़ेगा। रिजॉइंडर, सर रिजॉइंडर, सर सर रिजॉइंडर, सर 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 रिजॉइंडर, सर 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 रिजॉइंडर, तब तक ये कहानी चलती चली जाएगी जब तक पार्टीज डू नॉट रीच अ स्टेज वेयर ए फैक्ट असर्टेड बिकम्स ए फैक्ट डिनाइड। अब इसका मेरे को आपको एक एग्जांपल दूंगा, जब मैं, व्हेन आई विल गिव यू एन एग्जांपल देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। लेट अस टेक अ प्लेंट। द प्लेंटिफ सूज द डिफेंडेंट ऑन ए चेक इश्यूड बाय द डिफेंडेंट एंड ही सेज दैट द प्लेंटिफ कैरीज ऑन बिजनेस एज ए हार्डवेयर मर्चेंट। और हार्डवेयर मर्चेंट की दुकान में आप सब जानते हैं रंग रोगन पेंट ईट कील, जो चीजें घर की मरम्मत में लगती हैं, घर के बनाने में लगती हैं, वो बिकती हैं। एंड ही सेज द डिफेंडेंट इज अ पेटी कॉन्ट्रैक्टर। और डिफेंडेंट और मेरे बीच में 2 साल पहले यह तय हुआ था कि डिफेंडेंट के आदमी हर महीने मेरी दुकान से आके सामान लेते रहेंगे, मैं रिकॉर्ड लिखता चला जाऊंगा, ये पर्ची लिख के उनको भेजेगा और महीने के आखिर में हम अकाउंट सेटल करेंगे और ये मेरे को चेक दे देगा। वो कहता साहब 2 साल तक तो ये देता रहा और इसका चेक भी इनकैश होता रहा, पर 25वें महीने में जब अकाउंट सेटल हो गया तो इसने ये मेरे को चेक दिया और मैंने ये चेक डाला तो वहां से स्टॉप पेमेंट आ गई और लिहाजा मेरे को इस चेक अमाउंट का डिक्री चाहिए। डिफेंडेंट आके कहता है साहब मैं ये सारे फैक्ट मानता हूं, पर वो फैक्ट्स ऑफ अवॉइडेंस लिखता है। वो कहता है इस महीने के लिए जब मैं अकाउंट सेटल करने गया तो 50,000 रुपए का इसने मटेरियल मेरे अकाउंट पे डाल दिया, जबकि ये मटेरियल मैंने इसकी दुकान से तो उठाया था, पर इसने कहा था मेरे घर में रंग रोगन और पॉलिश करवा दो, तो ये 50,000 का सामान तो मैंने इसके अकाउंट पे लिया था, मैंने अपने अकाउंट में लिया ही नहीं था, तो ये 50 जोड़ रहा था। फिर ये कहता है कि रंग रोगन के लिए 35,000 रुपए का ठेका तय हुआ था, तो इसने मेरे को 35 देने थे, मैंने इसे 70,000 का सामान खरीदा था तो इसके बनते थे 35, और जनाब मेरे को तो 35 भी नहीं देने थे, क्योंकि जब इसके घर में मैं काम कर रहा था तो इसकी दरवाजे की 2 दरवाजों की चौखट गल चुकी थी, 2 अलमारी के पल्ले गल चुके थे, 2 अलमारियों के बीच में फट्टे गल चुके थे, तो मैंने इसको बोला भी ये तो सब गल गए हैं, तो इसने मुझे बोला डू यू नो ए कारपेंटर, आई सेड यस, सो ही सेड प्लीज गेट इट डन फ्रॉम आवर कारपेंटर एंड आई विल पे यू। सो एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ आई एंगेज्ड अ कारपेंटर ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, हु गॉट हिज वुड, हु गॉट हिज मटेरियल, हुज लेबर चार्जेस कम्स टू 35, सो आई पिक्ड अप मटेरियल वर्थ 70 लाख फ्रॉम हिज 70,000 फ्रॉम हिज शॉप, 35,000 was my labor charges, 35,000 I paid to the carpenter. Therefore, I have to pay him nothing. The accounts got squared. And as regards this check, this was check given by way of security at the beginning of the transaction. तो अब इस written statement में pleas of confession के बाद pleas of avoidance आ गई। अब वो replication में plaintiff के, हाँ साहब इसने मेरे घर में पेंट पॉलिश की थी, पर ये 50,000 का जो 35,000 का मटेरियल ये कहता है कि इसने मेरे घर में इस्तेमाल किया, जनाब मैंने इसके अंदर वो तो डाला ही नहीं। सो वन प्ली ऑफ अवॉइडेंस हैज बीन मेट विद अ डिनायल, इश्यू सेटल। फिर आई कारपेंटर की बात, वो कहता है हाँ साहब कारपेंटर जरूर इसका आया था, ये लेके आया था, पर कारपेंटर ने तो काम ही बहुत गंदा करा, खिड़की वो मेरे आई कुड नॉट इवन क्लोज द डोर्स ऑफ माय अलमारा एंड द मेन डोर जिसकी चौखट उसने बदली आई कुडंट इवन क्लोज इट, सो आई एम नॉट लायबल टू रीइंबर्स हिम एनीथिंग। एंड एज रिगार्ड्स हिज लेबर चार्जेस ही सेज ही डिड अ वेरी शॉडी जॉब, इनफैक्ट आई हैड टू रीपेंट द होल हाउस, ही इज लकी दैट आई एम नॉट सुइंग हिम फॉर वेस्ट ऑफ माय मटेरियल, सो आई एम नॉट गोइंग टू पे हिम एनी लेबर चार्जेस। So the pleas of confession
कि इसने मेरे घर में काम किया जिसके मेरे को लेबर चार्जेस देने थे, पर क्यों नहीं दे रहा, उसकी वजह देता है. He sets a plea of avoidance. He also sets up a plea of confession on the carpenter, but sets a plea of avoidance कि कारपेंटर ने ठीक से काम नहीं किया. Now in such a case, the defendant will get a right to file a sursuri rejoinder, in which he may say whatever he wants to say. So, in this view of the matter, we can now go into a little of substance under the law of pleadings. अब इस सारे को अगर जो मैंने आपको बताया, ये कहां क्रिस्टलाइज होता है? ऑर्डर टू रूल वन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. वो क्या कहता है? दैट द सूट हैज टू बी ड्राफ्टेड सो दैट बाय अ सिंगल डिसीजन ऑल सब्जेक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स आर डिवाइडेड डिसाइडेड टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन. वो हमने बताया ना रोमन लॉ में क्या था, कि वो सारे फैक्ट आपको बोलने हैं जो कॉज ऑफ एक्शन करते हैं, और उसका फैसला एक बारी होगा और उसके ऊपर दूसरा लिटिगेशन नहीं हो सकती. सो ऑर्डर टू रूल वन. फिर ऑर्डर सेवन रूल वन ई क्या कहता है? प्लेड शैल कंटेन व्हाट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज. वही रोमन लॉ से आता है कि वो जज देखता था कि ये फैक्ट्स जो बोल रहा है ये कोई कॉज ऑफ एक्शन भी दे रहे हैं कि हवाई फैक्ट है. अगर कॉज ऑफ एक्शन, सो यू हैव टू प्लीड द फैक्ट्स ब्रिंगिंग आउट द कॉज ऑफ एक्शन. ऑर्डर सेवन रूल थ्री, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर वो म्यूनिसिपल नंबर है तो उसका म्यूनिसिपल नंबर दीजिए, अगर म्यूनिसिपल नंबर नहीं है तो जो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में उसका नंबर है, खेत है, खेवट नंबर, खेत नंबर, खसरा नंबर, उसकी बाउंड्री आइडेंटिफाई करेंगे, नॉर्दर्न साइड में किसका खेत, सदर्न साइड में किसका खेत, वेस्टर्न साइड में सड़क, ईस्टर्न साइड में सड़क, मंदिर किसका है, सो दैट द प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड. सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर सेवन रूल फाइव, जिसको कोई वकील तवज्जो ही नहीं देता. नो लॉयर कीप्स इन टू अकाउंट ऑर्डर सेवन रूल फाइव. द प्लेंट हैज टू शो इन व्हाट मैनर द डिफेंडेंट इज कॉल्ड अपॉन बाय द प्लेंटिफ टू आंसर. अपने प्लेट में कहीं जरूर लिखिए कि ये फैक्ट पे इसलिए डिफेंडेंट लायबल है मेरे को टू आंसर. अगर कोई ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ लॉ है तो वो आपको प्लीड करना पड़ता है. ऑर्डर सिक्स रूल टू बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीडिंग्स शैल स्टेट ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस. इसको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे. आजकल की प्लेंट में हम एविडेंस को प्लीड करना शुरू करते हैं. हमको एविडेंस नहीं प्लीड करना, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स. एंड अगर किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड इफेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज टू बी स्टेटेड, ये हमको कहां से मिलता है? ऑर्डर सिक्स रूल नाइन, इफेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी स्टेटेड. अब हम क्या देखते हैं प्लीडिंग में? द प्लेंटिव रोट अ लेटर, द डिफेंडेंट रोट एन ईमेल, द प्लेंटिव रोट अ लेटर, द डिफेंडेंट गेव एन ईमेल. अरे बाबा, इसका इफेक्ट क्या है? लिखो कि डिफेंडेंट ने इस डॉक्यूमेंट चिट्ठी से ये स्टैंड लिया जिसका मैंने इस ईमेल से जवाब दिया. इसने फिर मेरे को एक ईमेल में ये स्टैंड लिया, फिर मेरे ईमेल में मैंने ये स्टैंड लिया. इफेक्ट क्या है? कि इसने 10 मुद्दे शुरू हुए थे, 4 मैंने छोड़ दिए थे, 4 उसने छोड़ दिए थे, और हमारे अल्टीमेटली 2 ही मुद्दे रह गए. अदरवाइज आई रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, आई गेव अ मेल, ही गेव अ मेल, आई रोट अ लेटर, ही रिप्लाइड बाय अ मेल टू माय मेल, ही रिप्लाइड बाय अ लेटर. The judge will know nothing, और आपके trials बहुत लंबे होते जाएंगे. Now, I said concise statement of material fact, but order 7 rule 10 and order 6 rule 4 says, wherever further particulars are required,
then the concise statement of material facts should be accompanied by material particulars. Material particulars, agar aap kehte hain fraud kiya, cheat kiya, misrepresentation ki, to wo kya cheez ki jis pe aap kehte hain fraud banta hai? वो क्या चीज कही जिसपे आप कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन बनता है? वो क्या चीज कही जिसके अंदर डिसेप्शन बनती है? अब आप देखिए, फ्रॉड में भी डिसेप्शन है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में भी मिसरिप्रेजेंटेशन डिसेप्शन है, पर एक प्रकार की डिसेप्शन फ्रॉड में जाती है, एक प्रकार की डिसेप्शन मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट में जाती है, और दोनों में अंतर है। अगर डिसेप्शन फ्रॉडुलेंट है, द कॉन्ट्रैक्ट पर सी इज वॉइड, पर अगर डिसेप्शन एक मटेरियल फैक्ट पे जाती है, द अदर साइड इज एंटाइटल्ड टू वेव इट। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। सो एज लॉयर्स यू मस्ट बी केयरफुल दैट वेदर दिस डिसेप्शन लीड्स टू फ्रॉड, वेदर दिस डिसेप्शन लीड्स टू misrepresentation of a fact and a consent, क्योंकि दोनों में consent होता है, पर consequences फर्क होते हैं, पर ये when will you be able to do it? When the concise statement of material facts is supported by material particulars. Order 6 rule tell, implied contract or relation, suppose you are inferring an implied contract, then the circumstances from which you infer the implied contract, or an implied relationship. Why relationship? Master servant, agent principal. It can be even inferred from a series of conversations, which could be verbal, which could be in writing. So order 6 rule 12 ko bhi apne zehen mein rakhe. अब इस सारे को अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, एक बड़ी सिंपल सी चीज बोली, सिंपल सी चीज बोली। क्या सिंपल सी चीज बोली? वो तीन पैरामीटर्स जहां से हम शुरू हुए थे, व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू से, व्हाई am I saying and what am I required to say? इसका मैं आपको सबसे सिंपल उदाहरण अगर देना चाहूं, तो कोई मुझसे किसी ने एक बारी पूछा कि आप रूल ऑफ रीडिंग कहां सीखे? हमने कहा कि हम प्री नर्सरी में रूल ऑफ रीडिंग सीखे थे। बड़े हैरान, बोले कहां प्री नर्सरी में, कहां लो लॉ ऑफ रीडिंग, ये तो लॉ फैकल्टी में पढ़ाई जाती है। हमने कहा नहीं, नर्सरी राइम थी। क्या है? छोटी सी नर्सरी राइम, आई एम अ टी पॉट फैट एंड स्टाउट, दिस इज माय हैंडल, दिस इज माय स्पाउट। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हैं, बट उन लाखों करोड़ों में कुछ ही ऑब्जेक्ट्स हैं जो राउंड होते हैं, जिनके अंदर एक कंटेनर होता है। तो जैसे ही आपने कहा कि आई एम फैट एंड स्टाउट, तो उसमें वो जितने ऑब्जेक्ट जो लीनियर और जो चपटे होते हैं वो आउट हो गए। अब उसमें कार, ट्रक, बस, ट्रेन, प्लेन, आपका टीपॉट, केटल, आपका जग, मग, वाटर टैंक, वो जितनी भी चीजें हैं जिनके अंदर एक कैविटी होती है, बचते हैं। पर आप लाखों ऑब्जेक्ट को, आप पेंसिल, पेन, टेबलेट, कॉपी, किताब, रस्सी आदि, झूला, सब ऑब्जेक्ट आउट। तो जब आपने रूल ऑफ रीडिंग में कहा फैट एंड स्टाउट, तो आपने सिर्फ 5% चीजों को रख लिया, 95% आपकी भार। फिर आपने बोला This is my handle. जब हैंडल आ गया, तो जिनका हैंडल नहीं होता, वाटर टैंक हैंडल नहीं होता, वाटर टैंक आउट, ग्लास आउट, टेबल लैंप आउट, ये आउट, वो आउट।
अब बचती हैं जिनकी वही चीज है जिनका हैंडल होता है। पर जब आप बोलते हैं दिस इज माई स्पाउट, तो क्या होता है, अब एक ही चीज बची स्पाउट। वो क्या चीज है जिसके अंदर ये तीनों ट्रेट हैं, फैट एंड स्टाउट और हैंडल और स्पाउट? सिर्फ केटल। तो यही सार है रूल ऑफ ब्रीडिंग का, वही तीन चीजें जहां मैंने शुरू की थी। व्हाट एम आई टू से, व्हाई एम आई सेइंग, एंड व्हाट एम आई रिक्वायर्ड टू से। ये तीन चीजें हमने कहां सीखी? I am a teapot, fat and stout. This is my handle. This is my spout. तो सबसे पहले आप क्या, आप बोले spout, नहीं समझ आएगी। छत, पहाड़ों में जाओ, छत से जब पानी नीचे गिरता है उसको भी spout बोलते हैं, पर उसका handle नहीं होता, वो fat and stout नहीं होता। तो क्या कहना है और लॉजिकल सीक्वेंस में कहना है, सबसे पहले फैट एंड स्टाउट, फिर कहना है हैंडल, फिर कहना है स्पाउट। और जब आपने कह दिया तो समझने वाला समझ जाएगा ये जो बच्चा बोल रहा है ये टीपॉट के बारे में बोल रहा है। सो टुडे वी वर एट, हम सिर्फ एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉज ऑफ रीडिंग्स हैं। अभी हमारे को थोड़ा टाइम टू डिस्कस करने का मिलेगा। सो ये टेक ऑफ सेशन है और इस पे हम ये समझ गए कि ये जो इतना बड़ा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जिसको हम इतना कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये सिर्फ तीन चीजों से उभर के आता है। याद रखिएगा अगली बारी अपनी प्लीडिंग में, अपनी नर्सरी राइम को ध्यान रखना कि प्लीडिंग में यहां तक मैंने फैट एंड स्टाउट कह दिया, यहाँ पे मैंने दिस इज माय हैंडल कह दिया, अभी मैंने स्पाउट कहना जरूरी है। जब तक मैं स्पाउट नहीं बोलूंगा मेरी प्लेन ठीक नहीं आएगी, एंड आपने अपना स्पॉट बोल दिया तो आपकी प्लीडिंग कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। नाउ एनी क्वेश्चंस? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। एज यूजुअल द सेशन वाज स्पॉट ऑन, एंड नाउ सिंस प्राइमली इट वाज स्पोकन इन इंग्लिश और इन हिंदी, सो वी प्राइमली टेक क्वेश्चंस इन इंग्लिश। लाइक यू हैव गिवन अ इन डिटेल एंड इन एक्सटेंसो एज टू हाउ द प्लीडिंग्स विल बी डन for a person like you will be taking this this question in English, how do you believe that whenever the documents, because can you increase your volume, your voice is very very, just hold on. Oh. Yes sir. So the question is that let's assume a client comes to a person, so how does he think that how does he collate all the facts and collate the documents so that the pleadings can be done? What should be the thumb rule? Yes. In law faculty today, client counseling is being taught. The client doesn't know what facts are relevant in law, and therefore he may tell you certain facts which are irrelevant and may not think a particular fact is relevant and tells you that fact. After the client tells you, with your common sense, you can understand that he has a grievance relating to breach of a contract for, say, sale of, let us take, copper wires or a sale of a house. So he comes and tells you some blabbered facts. Ki sahab, usne mereko tar bechni thi, par usne tar jo bheji, wo to bekar nikli, wo to condom thi. अब लॉ में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ बेकार और लॉ में कोई कॉन्सेप्ट ऑफ तो कंडम है नहीं। सो द लॉयर मस्ट नाउ अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग ऑफ ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल्स ऑफ द गुड्स व्हिच इज वायर। सो ही मस्ट नो दैट अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अ गुड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय डिस्क्रिप्शन और बाय स्पेसिफिकेशंस। तो वो से पूछे कि साहब ये जो तार इसने बिजली की बेचनी थी इसकी कोई डिस्क्रिप्शन थी या कोई स्पेसिफिकेशन थी? वो कहता हाँ साहब, इसने मेरे को 2 ply 2 mm की तार बेचनी थी। बोले कहाँ लिखा है? बोले देखिए साहब ये मैंने लिखा है। नाउ व्हाट विल यू अंडरस्टैंड कि जो इसने कॉपर वायर बेचनी थी वो 2 mm थिक थी और उसके अंदर 2 ply यानी कि 2 strands ऑफ कॉपर वायर आनी थी। तो बोले साहब अब ये कंडम क्यों हुई?
बोले साहब ये कंडम ही हुई बिकॉज द कॉपर वायर हैज टू गो थ्रू ए पॉलीविनाइल कोटिंग पीवीसी कोटिंग. तो ही सेज कि साहब वो देखिए या तो इसकी पीवीसी जो कोटिंग थी वो बहुत थिन थी या जो दो प्लाई की तार थी ये 2 mm की थी पर ये तार इसने दो इतनी पतली थी कि ये इसके अंदर लूज थी. तो जब आप उससे ये इंटरेक्शन करोगे देन यू वुड से कि देखो भाई तुम इस ट्रेड में हो तो ये 2 mm थिक 2 ply की कॉपर वायर की कहीं स्पेसिफिकेशन है? वो कहेगा हाँ साहब इंडियन इलेक्ट्रिक एसोसिएशन ये इनके स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स होते हैं IMEA स्टैंडर्ड क्योंकि क्लाइंट वो जानता है वो आपको गाइड करेगा. सो दिस बैक एंड फोर्थ आपको अपने क्लाइंट के साथ बैठ के आपने दावा डाला कि साहब इसने जो वायर दी ये तो कंडम निकली. जज कहेगा भी ये कंडम क्या है मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंडम इज. तो शुरू में क्लाइंट भाषा का उसी इस्तेमाल करता है. अगर आप चेक बाउंसिंग के केस चेक के केस देखेंगे ना वो क्या बोलेगा चेक भेज गया जी मुझे. अब चेक नहीं बिक सकता चेक कैन बी नेगोशिएटेड. तो आप लिखेंगे दैट आई एम द होल्डर ऑफ अ चेक इन ड्यू कोर्स बिकॉज द चेक वॉज इशूड टू बी एंड इट वॉज केप्ट एज अ बेरर चेक एंड बी नेगोशिएटेड इट विद मी. दिस इज वॉट यू हैव टू डू. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन विकास. Yes, sir. So, like you said, that the client will not tell everything. Now, the next question arises is, maybe a lawyer with some reasonable amount of practice will understand the interplay of different sections and act in one go. Hmm. For a young lawyer, when some brief comes, how do you say that one, he should develop the art to understand the Contract Act will come into being, how pleadings will come into being, Correct. How everything will come into being? Yes, very simple. Use strong, robust common sense. Forget the law of contract. Forget the law of sales of goods act. In English, it is all common law. It was all developed by common sense as a reasonable person would. So develop a strong common sense. If you develop a strong common sense, even if you don't have these provisions in this, would common sense not tell you that when I say the copper wire which he gave was useless? Now, copper wire was useless is not a fact. It is an inference from a fact. What was the fact which results to the conclusion that it was useless? At least this common sense tells you. Does aapke cycle puncture ho gayi? Aap cycle wale ke paas jaate hain. साइकिल वाला सबसे पहले क्या करता है? He doesn't indulge in opening your wheel. वो सबसे पहले क्या करता है? वो हो सकता है कि शायद किसी ने बदमाशी से इसकी वेल ना कर दियो, वो अपना पंप लेके उसके अंदर डालता है, फिर आपको कहता है साहब 2 मिनट रुकिए, वो हाथ से दबा के देखता है 5 मिनट बाद, वो कहता है साहब 5 मिनट बाद ये प्रेशर उतना ही है, ये किसी ने आपकी हवा निकाल दी, आप जा सकते हैं. आप खुश हो जाते हैं कि साहब मेरे 10 रुपए बच गए, आप उसको 1 रुपए का टिप दे देते हैं. पर 10 मिनट बाद जब वो देखता है कि इसका प्रेशर कम हो गया, फिर वो आपकी साइकिल को लटाता है, फिर वो अपना पेच उठाता है, फिर उसकी वो वेल खोल के पूरी की पूरी हवा निकाल देता है, फिर अपने पेच से वो रिम में से उसको निकालता है आउटर टायर, फिर अंदर की ट्यूब निकालता है, फिर उस ट्यूब में हवा डालता है, फिर उसके पास एक पानी का एक पतीला या एक कंटेनर होता है, सबसे पहले वहां वेल्व डालता है. अगर वेल्व में से हवा निकल रही है, बुलबुला निकल रहा है, तो वो समझ जाता है, पर फिर भी वो सारी ट्यूब को घुमाता है, जहां जहां से उसको पानी के बुलबुले हवा के बुलबुले मिलते हैं वहां पे तीला डालता है, फिर देखता है कि साहब इसके एक तो वेल्व में से हवा निकल रही है और एक यहां से निकल रही है, फिर वो आपको कहता है साहब मैं आपकी वेल चेंज करूंगा और वहां पे पंचर लगाऊंगा. वो अपनी कॉमन सेंस यूज करता है ना. देर इज नो स्कूल वेयर हाउ टू डिटेक्ट ए पंचर इन अ टायर, व्हाट स्टेप्स टू फॉलो टू रेक्टिफाई इज गिवन. वो अपनी कॉमन सेंस से करता है. तो अगर आपके पास एज अ लॉयर एक्सपीरियंस नहीं है, कॉमन सेंस तो है ना, तो आप अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए.
पर ये बात ठीक है कि कुछ रूडिमेंट्री नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए. सो समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहली बात तो अगर आप नए वकील आए हैं तो एक दो साल तो वैसे ही क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास. तो वो एक दो साल बाहर खड़े होके कैंटीन में बैठ के गप्पे मत लगाइए. विकास चतरथ को ढूंढिए कहाँ जा रहा है विकास. जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे बकरी का जो मेमना होता है वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और देखता है कि ये पहाड़ कैसे चढ़ रही है, किस पत्ती को खा रही है, किस पत्ती को नहीं खा रही. और मेमना कैसा, मैं तो माँ के पीछे घूमूंगा ही नहीं, इधर उधर बैठा रहूंगा, तो वो घास पत्ती चुगनी नहीं सीख पाएगा. प्लीज फ्रक्टिफाई योर फर्स्ट टू ईयर्स, सिट डाउन, सी लॉयर्स व्हाट दे आर डूइंग, गो टू द लाइब्रेरी, और ये आपको अपने आप आ जाएगा. So one of the key mantras from the example of goat, you said that you should have the observation and the absorption to take things. Yes, Vikas, let us be very clear. मैं ये समाज में पतन इसलिए हो रहा है, ये नहीं कि हमको नॉलेज नहीं है. पतन इसलिए हो रहा है कि डिजायर ऑफ सीकिंग नॉलेज नहीं है. The inquisitive mind is dying. And let me tell you, which lawyer is successful? When you say the lawyer has got knowledge, no. The lawyer has got an inquisitive mind. Jitna aapka inquisitive mind hoga, aap utni knowledge seek karenge. Aur agar aapka inquisitive mind hi nahi hai, to aap knowledge nahi kar sakte. So develop an inquisitive mind. Aur jab tak aapka wo inquisitive mind ki query satisfy nahi hoti, dhoondte chale jaiye, dhoondte chale jaiye. Chole bhature khane ja rahe hai na, ek dukaan mein dekh rahe hai, jyada grahak hai, dusre ke nahi hai. उसके भी खाइए फिर थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा. फिर उसको देखिए कि वो अपने छोले कैसे बना रहा है, वो अपने छोले कैसे बना रहे हैं, वो करछी कितनी बारी कर रहा है. एक फिर आपको समझ आ जाएगी, एक के भटूरे में लचकपन है, कैसे पता चलेगा. दूसरे ने वो आटा मैदा डाला, पानी डाला, और जब उसका डो बना दिया, वो उसके भटूरे बनाने शुरू करेगा. और दूसरा उसको 10 मिनट गूंथता जाता है 10 मिनट उसको सीधा करता है, फिर बॉल बनाता है, फिर फ्लैट करता है, फिर से बनाता है. थोड़ी देर बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि जितना डीप वाटर का मॉलिक्यूल आटे के ग्रेन में जाता जाएगा, उतना वो उसको लचकीला बनाता चला जाएगा. सो दिस इंक्विजिटिवनेस नीड नॉट बी रिलेटिंग टू अ लॉ. फॉर वट एवर यू सी, Have an inquisitive mind, तो आप अपने आप को खुद ट्रेन करेंगे. जब आपको कुछ क्लाइंट बताएगा तो आपका inquisitive mind उससे further, 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 further पूछता ही चला जाएगा till the entire facts you've got. हाँ, आपको समझ आएगी कि ये एक फैक्ट बता नहीं रहा है, इसकी गलती है. उसको बोलिए कि देखे साहब, दाई से पेट मत छुपाओ, फिर बीमारी का पता नहीं चलेगा. उसको वो यूज द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड एंड टेल हिम कि लोग प्राइमा फेस है, ये नहीं है, ये फैक्ट की मेरे को ओमिशन नजर आ रही है. देन योर स्किल इज, वो कहता है साहब क्या करे, बिजनेस करना था, ये मैंने, ये गलती हो गई. हाँ, वहां फिर आपका स्किल है कि आप उसको कैसे ओवरकम करेंगे. वेदर यू कैन पुट इट एज कोअर्शन, वेदर यू विल पुट इट एज एन इकोनॉमिक ड्यूरेस, वेदर यू विल पुट इट एज ए फैक्ट विच इज इररिलेवेंट, इज नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ योर राइट्स, फिर थोड़ा केस लॉ पढ़िए और आगे चलिए. एंड एवरी लॉयर हैज टू गो थ्रू दिस फेजेस. So point well taken. The history is full of this, that we have seen that the Newton also saw the apple falling. Others had also seen the apple. Absolutely. Falling. Everybody said ये नीचे ही गिरता है. Yeah. ना, पर उसने सवाल पूछा नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता. So for billions of years, nobody had the inquisitiveness to find out why it doesn't go up, why it comes down. And he got it and he discovered the law of gravity. And but for the discovery of law of gravity, all this space research, space science, plane flying, we would have been able to do nothing. So similarly, the Wright brothers created the flight, and it's only the thought process for a positive direction. As absolutely. Say, as they similarly say, a pessimist and an optimistic view is that Wright brothers created the plane and the other created the parachute. Correct. But you have to maintain the balance also. That's after right. After hearing your sessions, we have learned the art of check and balances. Just like Wright brothers created the plane. But at the same time, when the parachute was created, same are the check balances, what you have told us in this particular session, that how you have to ensure that what has to be hidden and what has to be revealed. Just like you said,
दाई से पेट छिपाने का नहीं फर्क पड़ेगा. तो सिमिलरली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द क्लाइंट्स टू टेल द एंटायर फैक्ट्स टू द लॉयर, एंड सिमिलरली द लॉयर शुड हैव दैट पावर ऑफ getting the facts in a chronological manner in the right way so that the client has reposed true faith in the lawyer and he can put it across in the right way. And as they say in the Darwin theory, survival of the fittest, and that's what this is Pradeep Nandraj Yoga has said, that for a good 2 years you take the grind and it's not far, the day is not far off for any young professional, or for that matter any professional, that he will have the shine and sheen like a gold. Or as they say in cricket, that you have to rub the ball on the right side to get the right shine. Swing. Right swing, right shine, everything. Until unless you believe in tampering. And tampering of ball has always shown that the bad results, that not only brings the bowler in the bad taste and bad color, and similarly for the team. So the lessons learned are that study hard, work hard, and then rock hard. Thank you, sir, for your insights. नमस्कार सर.